पिछले कुछ सालों से किसान प्रदर्शन करते हुए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब बार बार कहती थी कि सत्ता में आने के बाद स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी, लेकिन अब जब सत्ता में है तो खुद इससे बचती दिख रही है। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को हिंदुस्तान में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। स्वामीनाथन एक जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। स्वामीनाथन ने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। यूपीए सरकार ने किसानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आयोग का गठन किया जिसे स्वामीनाथन आयोग कहा गया। इस आयोग ने यह कहा कि फसल उत्पादन मूल्य से 50% ज्यादा कीमत किसानों को मिले, किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम दामों में उपलब्ध हो, गांव में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर बनाया जाए, महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो, किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि आपदा आने पर किसानों को मदद मिल सके, सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही जमीन को किसानों में बांटा जाए, खेतीहर जमीन को और वन भूमि को गैर कृषि कामों के लिए ना दिया जाए, फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल पर किसानों को मिले, खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर गरीब और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे, किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज दर 4% किया जाए, कर्ज की वसूली में राहत, प्राकृतिक आपदा या संकट में जूझ रहे इलाकों में ब्याज में राहत दी जाए, लगातार प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसान को मदद पहुंचाने के लिए एग्रीकल्चरल रिस्क फंड का गठन किया जाए। किसानों की माने तो मोदी सरकार झूठ बोल रही है। अभी भी स्वामीनाथन आयोग ठीक से लागू नहीं हुआ है और अभी भी अन्न उपजाने वाला किसान भूखों मरने को मजबूर है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।